बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम प्रैक्टिस करेंगे कि हम किस प्रकार से एक सिचुएशन को एक्सप्लेन करें इंग्लिश में कंटिन्यूअसली। 20-25 सेंटेंस जब हमको बोलने पड़ते हैं तो उसमें हम सेंटेंस को कैसे कनेक्ट करेंगे। हार्ड ग्रामर अगर हमको यूज नहीं करना है तो क्या हमारे पास इजी ऑप्शन ऑल्टरनेट्स क्या क्या हैं, कौन से फ्रेसिस यूज किए जा सकते हैं, तो वो सब कुछ हम इस सेशन में सीखेंगे। सो आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। मीन वाइल यू हिट द सब्सक्राइब बटन। मीन वाइल का हम इस्तेमाल वहीं कर लेते हैं जहां पर कि जितनी देर में मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ इतनी देर में आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मीन वाइल वहां यूज हो जाता है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ, जैसे सिचुएशन हम क्या बोलने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए कि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है और रात में भी मैं भूखा ही सो गया था क्योंकि नॉनवेज मुझे पसंद है नहीं। एक्चुअली में मुझे जंक फूड ज़्यादा पसंद है, लेकिन जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ कोई रेस्टोरेंट है नहीं, तो मुझे अगर एक पिज़्ज़ा भी खाना पड़ता है खाना होता है तो मुझे 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और एक पिज़्ज़ा मुझे लगभग 5 गुना महंगा पड़ जाता है। गेटिंग माय पॉइंट। इस प्रकार की सिचुएशन हम बोलते हैं, तो इनको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इन सेंटेंसेस को हम समझेंगे, साथ के साथ हर सेंटेंस का लॉजिक स्ट्रक्चर और ग्रामर हम समझते हुए जाएंगे और ऑल्टरनेट समझते जाएंगे कि किस किस तरीके से कहा जाता है। द सेशन इज नॉट गोना बी वेरी लॉन्ग, सो स्टे ट्यून्ड। ऑलराइट, तो सबसे पहला सेंटेंस है सुबह से कुछ खाया नहीं है। बिल्कुल बेसिक सेंटेंस है, सुबह से कुछ खाया नहीं है। आई हैवंट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। आई हैवंट, हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। आई हैवंट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर लिया है हमने हैव नॉट के साथ। देखिए, जब हम फ्लुएंसी की तरफ बढ़ते हैं तो सेंटेंस और वर्ड्स अपने आप में छोटे होते चले जाते हैं। जैसे कि हैव नॉट का हैवंट हो जाता है, हैज नॉट का हैजंट हो जाता है, डू नॉट का डोंट हो जाता है, वाज नॉट का वजंट हो जाता है। तो जितना शॉर्ट बोलेंगे उतना ज्यादा फ्लुएंटली प्रोनंसिएशन में इजी पड़ती है ये चीजें। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, बल्कि रात में भी भूखा ही सो गया था। आई हैवंट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, और बल्कि रात में भी भूखा ही सो गया था। अब इसमें हमें रात पर एम्फेसाइज करना है कि रात में भी भूखा सो गया था। नॉट ओनली दैट, यानी सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि रात में भी भूखा सो गया था, सिर्फ इतना ही नहीं। नॉट ओनली दैट, आई वेंट टू स्लीप हंग्री लास्ट नाइट एज वेल। As well, यानी last night as well, यानी कल की जो रात थी, last night as well. I went to sleep hungry last night as well. Now, the next sentence, पता नहीं उसे नॉनवेज इतना पसंद क्यों है। For an example, I'm talking about my wife, कि पता नहीं उसे नॉनवेज इतना पसंद क्यों है। Don't know, बिल्कुल अलग हो गया, पता नहीं, don't know why she likes non-veg so much. Right? देखिए, नॉनवेज अपने आप में कोई वर्ड है नहीं वैसे। अगर हम इसको लिटरली सही बोलने की कोशिश करें तो हम कहेंगे don't know why she likes non-vegetarian food so much. इस तरीके से बोला जाएगा। और अंग्रेज अगर बोले तो अंग्रेज इसको एक्शन में मीट का इस्तेमाल कर लेते हैं डायरेक्ट, डोंट नो व्हाई शी लाइक्स मीट सो मच। वहां पर मीट का इस्तेमाल होता है, तो नॉनवेज अगर सामने वाला समझ रहा है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, बट द स्ट्रक्चर हैज टू बी करेक्ट। स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए कि डोंट नो से स्टार्ट किया और सो मच पे एंड किया, शी के बाद लाइक्स लगाया है, वाई के बाद शी लगाया है। समझने वाली बात यह होती है कि स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, सामने वाला जब पूरा सेंटेंस सुन ले तो सेंस बनना चाहिए, कंफ्यूज ना हो जाए मैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। What the point? Question पूछ रहा हूं, ये बता रहा हूं, ये चीज क्लियर होनी चाहिए हमारे सेंटेंस में। Now, the next sentence is, कि जबकि मैं नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाता। Don't know why she likes non-veg so much. पता नहीं उसे नॉनवेज इतना क्यों पसंद है, जबकि मैं नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाता हूं। जबकि whereas I don't like non-veg at all. At all मैंने इस पे emphasize कर दिया है like पर, कि मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। I don't like non-veg at all. मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। Whereas I don't like non-veg at all. Now, the next sentence is, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत दयालु हूं, मतलब मुझे नॉनवेज पसंद नहीं है। इसके पीछे रीजन की जब हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत दयालु हूं। इट्स नॉट दैट आई एम सो काइंड। इट्स नॉट दैट, ऐसा नहीं है, आई एम सो काइंड, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत दयालु हूं। रीजन क्या है, बात यह है कि मुझे टेस्ट पसंद नहीं है। बात यह है कि मुझे टेस्ट पसंद नहीं है। द थिंग इज दैट आई डोंट लाइक टेस्ट, या फिर द थिंग इज दैट आई डोंट लाइक इट्स टेस्ट। कह दिया तो मैंने उसको दोबारा इंक्लूड कर लिया सेंटेंस में कि नॉनवेज का टेस्ट पसंद नहीं है। द थिंग इज दैट आई डोंट लाइक इट्स टेस्ट। अगर मैं नॉर्मल इस टेस्ट पे ही एम्फसाइज करने की कोशिश करूं तो मैं कहूंगा द थिंग इज दैट आई डोंट लाइक द टेस्ट, यानी टेस्ट की वजह से नहीं खाता हूं। गेटिंग माय पॉइंट, छोटी छोटी चीजों से कितना मीनिंग बदल रहा है। आई डोंट लाइक द टेस्ट, मैंने टेस्ट पे एम्फसाइज कर दिया, और अगर की जगह इट्स यूज कर लूंगा तो आई डोंट लाइक इट्स टेस्ट, इसका टेस्ट पसंद नहीं है, तो मैंने उस खाने पर एम्फसाइज कर दिया। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, एक सेशन में पॉसिबल है भी नहीं,
कि पूरी अंग्रेजी समझ में आ जाए, इन चीजों को बार बार रिपीटेडली जब आप सुनेंगे अलग अलग सिचुएशंस में तो ये समझ आती है। इसके लिए लाइव सेशन में आना बहुत जरूरी है। एक चीज और है, आप बिल्कुल फ्री में हमारा लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। तो ड्यूरिंग द सेशन में अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, एप्लीकेशन का लिंक, क्लास की टाइमिंग वगैरह सारी डिटेल आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। और वहाँ को लर्नर के साथ आगे जब आप सिचुएशनल इंग्लिश सुनेंगे, कौन सी सिचुएशन में कौन सा सेंटेंस अच्छा लग रहा है, कौन सा वर्ड मीनिंग बदल रहा है, तो ये सारी चीजें वहीं समझ आएंगी जब लाइव कॉन्वर्सेशन सुनेंगे। ओके, तो दो काम करने हैं, सब्सक्राइब करना है और पूरा देखने के बाद फीडबैक देना है, व्हाट्सएप नंबर लेके लाइव क्लास में जरूर आना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को सोशल मीडिया पर। ओके, नाउ कर दीजिएगा प्लीज। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, मुझे जंक फूड बहुत पसंद है, आई लाइक जंक फूड वेरी मच। बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस था, आई लाइक जंक फूड वेरी मच। अब इसके आगे वाला हम कनेक्ट करते हैं, और पिज्जा सबसे ज्यादा पसंद है, यानी आई लाइक जंक फूड वेरी मच और पिज्जा सबसे ज्यादा पसंद है, एंड पिज्जा इज माई मोस्ट फेवरेट। देखिए, पिज्जा इज माई फेवरेट बिल्कुल बेसिक, एंड पिज्जा इज माई मोस्ट फेवरेट, दोनों सेंटेंस को बोले आई लाइक जंक फूड वेरी मच एंड द पिज्जा इज माई मोस्ट फेवरेट, बिल्कुल बेसिक। तो सेंटेंसेस को कैसे बोला जाएगा वो तरीका ही हमको सीखना पड़ता है, ग्रामेटिकल रूल सीख के सेंटेंस में रंग नहीं भरेगा, फीलिंग नहीं भरेगी। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, पिज्जा तो मैं रोजाना कई महीने तक खा सकता हूँ। अब इसमें दो बार टाइम का हमने इस्तेमाल किया है, रोज खा सकता हूँ और कई महीने तक खा सकता हूँ, दोनों बार टाइम की कंटिन्यूटी है। आई कैन ईट पिज्जा एवरी डे, आई कैन ईट पिज्जा एवरी डे फॉर मंथ्स, महीनों के लिए हमने मंथ्स के साथ एस लगा लिया है बस। आई कैन ईट पिज्जा एवरी डे फॉर मंथ्स, कई महीनों तक खा सकता हूं लगातार। नाउ लेकिन दुख की बात यह है कि, अब यहां पर एक दुख की बात भी है, तो दुख की बात यह है कि, बट द सैड पार्ट इज दैट, यानी दुख की बात यह है कि, क्या है सैड पार्ट, द सैड पार्ट इज दैट जहां मैं रहता हूं यहां कोई अच्छा रेस्टोरेंट नहीं है, जहां मैं रहता हूं यहां कोई अच्छा रेस्टोरेंट नहीं है। वेयर आई लिव, देखिए बिल्कुल अलग अलग तोड़ के ब्रेक कर लेंगे सेंटेंसेस को, वेयर आई लिव जहां मैं रहता हूँ, वेयर आई लिव जहां मैं रहता हूँ देयर इज नो गुड रेस्टोरेंट हियर, यहाँ पे देखिए गुड लगा लेते हैं थोड़ा सा और अच्छा साउंड करेगा। वेयर आई लिव जहां मैं रहता हूँ देयर इज नो गुड रेस्टोरेंट हियर, यहाँ अच्छा रेस्टोरेंट नहीं है। अगर मैं कहूँ जहां मैं रहता हूँ मेरे घर के पास कोई अच्छा रेस्टोरेंट नहीं है, वेयर आई लिव देयर इज नो गुड रेस्टोरेंट नियर माई हाउस, लास्ट में मेरा घर लग गया, जहां मैं रहता हूँ यहाँ आसपास कोई अच्छा रेस्टोरेंट नहीं है, वेयर आई लिव देयर इज नो गुड रेस्टोरेंट हियर नियर बाय, लास्ट में नियर बाय लग गया। गेटिंग माय पॉइंट, कि आगे कुछ भी बदल रहा है बट द स्ट्रक्चर रिमेंस सेम, स्ट्रक्चर लगभग वही रहता है और ये ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 300 स्ट्रक्चर्स आपको अगर आ गए सेंटेंस घुमा फिरा के कंस्ट्रक्ट करने तो समझ लीजिए हो गई हर प्रकार की इंग्लिश। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, जब मुझे पिज्जा खाना होता है तो क्या करना पड़ता है, जब मुझे पिज्जा खाना होता है मैंने वांट टू ईट पिज्जा, डिपेंड करता है और भी कई सारे तरीके हैं, डिपेंड करेगा किस भाव से बोल रहे हैं और किस इसके आगे क्या बोलने वाले हैं आप। व्हेन आई फील लाइक हैविंग पिज्जा, व्हेन आई वांट टू हैव पिज्जा, कई तरीके से कह सकते हैं, या फिर व्हेन आई वांट टू ईट पिज्जा, डिफरेंस है सब में। व्हेन आई वांट टू ईट पिज्जा तो 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, अब कंडीशन क्या है, व्हेन आई वांट टू ईट पिज्जा तो 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, आई हैव टू ड्राइव 40 किलोमीटर। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, तो एक पिज्जा मुझे लगभग 5 गुना महंगा पड़ जाता है, यानी कि आई हैव टू ड्राइव 40 किलोमीटर्स टू हैव अ पिज्जा, एक पिज्जा खाने के लिए 40 किलोमीटर ड्राइव करना पड़ता है, तो एक पिज्जा मुझे लगभग 5 गुना महंगा पड़ जाता है। हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश, बिल्कुल बेसिक है, सो अ सिंगल पिज्जा कॉस्ट मी, देखिए कॉस्ट जो है अपने आप में भी वर्ब है, यानी कीमत सिर्फ कॉस्ट मतलब नाउन और वर्ब, आई होप ग्रामर पता होगा थोड़ा बहुत, कि कॉस्ट जो है अपने आप में भी एक वर्ब है, अ सिंगल पिज्जा कॉस्ट मी, कीमत हो जाती है उसकी मेरे लिए, मुझे इतने का पड़ जाता है, कॉस्ट मी ऑलमोस्ट 5 टाइम्स इट्स प्राइस, यानी लगभग इसकी कीमत का 5 गुना महंगा, अ सिंगल पिज्जा कॉस्ट मी ऑलमोस्ट 5 टाइम्स इट्स प्राइस। काश मैं बड़े शहर में रहता होता, आई विश आई लिव्ड इन अ बिग सिटी। समझने की बात इसके अंदर क्या है कि मैं पास्ट प्रेजेंट कुछ भी नहीं, फ्यूचर के लिए भी यहाँ पर तात्पर्य क्या है, अपने ही तरीके से इंग्लिश बोली जाती है, भले मैं प्रेजेंट में ही बता रहा हूँ, काश मैं बड़े शहर में रह रहा होता वहां पर भी ये सेंटेंस से सेम मीनिंग जाएगा, आई विश आई लिव्ड इन अ बिग सिटी, प्रेजेंट के लिए भी इसको इसी तरीके से बोला जाता है। हाउएवर आप ट्रांसलेट कर सकते हैं उसको लिटरली, लेकिन बोलने का नेचुरल तरीका यही है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, आप किस प्रकार के शहर में रहते हैं, अब मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा, आपको इंग्लिश में प्लीज रिप्लाई करना है कमेंट सेक्शन में, डोंट बी लेजी एट राइटिंग, लिखना है, आलस नहीं करना है, अगर आपके सेंटेंसेस ठीक होंगे देन आई विल गिव यू ए लाइक, और गलत होंगे तो हम उसको करेक्ट कर देंगे। ओके, आप किस प्रकार के शहर में रहते हैं, व्हाट काइंड ऑफ सिटी डू यू लिव इन, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ सिटी डू यू
लिव इन लास्ट में हम यूज करेंगे एम्फेसाइज करने के लिए। और अगर मैं यहाँ पे कह दूं विच काइंड ऑफ सिटी डू यू लिव इन या फिर विच टाइप ऑफ सिटी डू यू लिव इन, दोनों में फर्क है। देखिए व्हाट काइंड और विच काइंड, दोनों में फर्क क्या है, जब हम व्हाट के साथ कोई भी क्वेश्चन, कई जगह यूज होता है व्हाट और विच में कंफ्यूजन रहता है, व्हाट के साथ अगर हम कुछ यूज कर रहे हैं तो हम ओपन एंडेड क्वेश्चन दे रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा व्हाट काइंड ऑफ सिटी डू यू लिव इन, तो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आप कुछ भी बता सकते हैं अपने सिटी के बारे में, क्षेत्रफल बता सकते हैं, पॉपुलेशन, उसकी महंगाई, उसका मौसम, एनीथिंग, राइट। अगर मैंने कह दिया विच काइंड ऑफ सिटी डू यू लिव इन, तो मैंने स्पेसिफिक ऑप्शंस में से चूज करने के लिए आपको कहा है किस प्रकार का, जैसे हम छोटे और बड़े शहर की बात कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ विच काइंड ऑफ सिटी डू यू लिव इन, तो आप छोटे और बड़े में से बताओ। अगर मैंने कह दिया व्हाट काइंड ऑफ सिटी डू यू लिव इन, तो ओपन एंडेड है, आप उसके बारे में कुछ भी बताओ। सपोज आपसे, आपने अक्सर मान के चलिए एक एग्जाम्पल, मैं आपसे पूछूं व्हाट सब्जेक्ट आर यू स्टडीइंग, तो मुझे बिल्कुल कंफर्म नहीं है इस कंडीशन में, मुझे कंफर्म है ही नहीं कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, व्हाट सब्जेक्ट आर यू स्टडीइंग, तो ओपन एंडेड है, अब आप कुछ भी बता सकते हैं जो सबको नॉलेज आपके पास है। फॉर एन एग्जाम्पल मुझसे किसी ने कह दिया कि मैं 12th क्लास में हूँ, अब 12th में तीन ऑप्शन हैं आर्ट्स कॉमर्स और साइंस, तो मैं यहाँ पे पुटअप कर सकता हूँ विच सब्जेक्ट आर यू स्टडीइंग, यानी ये तीन ही ऑप्शन होते हैं, उनमें से चूज करके बताओ। आई होप व्हाट एंड विच का डिफरेंस समझ आया होगा, समझ आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, आपके घर से पिज्जा रेस्टोरेंट कितना दूर है। देखिए ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है कि आपके घर से पिज्जा रेस्टोरेंट कितना दूर है, हाउ फार इज पिज्जा रेस्टोरेंट फ्रॉम योर हाउस, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। इसके आपको आंसर देने हैं, वो मैं बता देता हूँ क्या क्या आंसर देना है, पूरा लिखिएगा कि आपके घर से पिज्जा रेस्टोरेंट कितना दूर है, और अगर आपको पिज्जा लेने जाना पड़े तो आपको क्या क्या स्टेप लेने पड़ते हैं, ठीक है, जैसे स्कूटी से जाना पड़ता है, रिक्शा से जाना पड़ता है, कितना दूर है, कितना टाइम लग जाता है, होम डिलीवरी देता है या नहीं देता, राइट एटलीस्ट 5 to 10 सेंटेंसेज इन इंग्लिश इन कमेंट सेक्शन, डोंट बी लेजी, और आई हैव ऑलरेडी गिवन माय व्हाट्सएप नंबर, लाइव सेशन में जरूर आइएगा और फीडबैक दे दीजिएगा कि सेशन आपको कैसा लगा, और प्रैक्टिस करते रहिए, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, टिल देन बाय बाय।